आज वेस्टर्न कामाकुरा के जेनी अराई बेंतिन नाम के एक श्राइन में जाने का प्लान है। इस श्राइन में लोग अपने जो करेंसी नोट्स होते हैं वो धोते हैं, और यहाँ की मान्यता है कि जो करेंसी आप धोते हो वो डबल हो जाती है। सो आई शेयर हाउ द एटमोसफेयर इज देयर अराउंड दिस प्लेस, और एक्सप्लोर करेंगे इस मंदिर को करीब से। सो स्टे ट्यून्ड। जापान का इमेज बहुत ही हाईटेक कंट्री का इमेज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जैसे ही आप बड़ी सिटीज़ से बाहर निकलने लगते हैं, यहाँ पर काफ़ी सारी कल्चरल सिटीज़ हैं जहाँ पर आपको नेचर और कल्चर दोनों बहुत ही करीब से देखने को मिलता है। कामाकुरा उसमें से ही एक ऐसी सिटी है जो कि एक पुराना कैपिटल सिटी भी था। जिस जगह पर हम लोग अभी जा रहे हैं उस श्राइन का नाम है जेनी अराई बेंतिन। जेनी मतलब मनी, अराई मतलब टू वॉश, और बेंतिन का यहाँ पर मतलब है गॉडेस सरस्वती। गॉडेस सरस्वती के बारे में मैं आपको और बताऊंगा जब हम श्राइन के अंदर पहुंच जाएंगे। ये लेन हमें जेनाराई बेंतिन की तरफ ले जाती है, और यहाँ का जो आर्किटेक्चर है वो बहुत देखने लायक है। ये स्ट्रीट से जैसे ही हम आगे निकलते हैं तो वहाँ पर एक स्लोप आता है जो कि हमें स्लोली इस श्राइन के एंट्रेंस तक ले जाता है। इस श्राइन का जो एंट्रेंस है वो एक छोटा सा वॉकिंग टनल है जिसे क्रॉस करकर आप मेन श्राइन की तरफ पहुँचते हैं। मिनामोतो योरितोमो नाम के एक गवर्नमेंट ऑफिशियल थे कामाकुरा में, जिन्हें एक सपना आया, और उस सपने में भगवान ने उनसे कहा कि एक वो टेंपल बनाएं जापान के पीस के लिए, और उसके बेस पे उन्होंने ये टेंपल बनाया। जापान में जो डे मंथ और ईयर के जो कैलेंडर्स हैं दोज आर बेस्ड ऑन एनिमल्स। तो जिस दिन उसने जो ड्रीम देखा दैट वॉज ईयर ऑफ स्नेक, मंथ ऑफ स्नेक एंड डे ऑफ स्नेक, तो इसलिए जो ये मंदिर बनाया गया, ये जो श्राइन बनाया गया वो भी वॉज डेडिकेटेड टू द गॉडेस ऑफ स्नेक। तो इट्स नॉट सरप्राइजिंग टू सी दैट ये जो श्राइन है एक अंदर केव में बनाया गया है, विच इज़ काइंड ऑफ अ कंफर्टेबल प्लेस फॉर स्नेक्स। एंड व्हेन यू एंटर दिस श्राइन यू फील लाइक यू आर एंटरिंग इनटू अ डिफरेंट रियल्म ऑल टुगेदर। यहाँ पर गॉडेस ऑफ स्नेक जो है उसे सरस्वती ही कहा जाता है। सरस्वती का जो कॉन्सेप्ट है ये जापान में बुद्धिज्म के थ्रू ट्रैवल किया, और जो कि चाइना के थ्रू आया। और यहाँ पर एक पुरानी लेजेंड के अनुसार सरस्वती ने एक बहुत ही पॉइजनस स्नेक को मारा था, इसीलिए उन्हें गॉडेस ऑफ स्नेक की मान्यता भी जापान में दी गई है। यहाँ पर जो लोग आते हैं वो पहले यहाँ पर ये लकड़ी की टोकरी लेते हैं और उसके साथ अगरबत्ती लेते हैं, और अगरबत्ती यहाँ पर ऐसे बीच में कुंड में लगाते हैं, और इसके साथ वो कैंडल भी लेते हैं, जो कैंडल आप यहाँ पर इस तरीके से पहले जलाते हैं और फिर आप भगवान के सामने उसे रखते हैं।
श्राइन का जो मेन पार्ट है वो यहाँ पर एक इस तरह की गुफा के अंदर है। और फिर अंदर आने के बाद लोग जो अपने पास कॉइन्स हों या नोट्स हों उसे इस टोकरी में डालते हैं और उसके ऊपर ऐसे पानी से धोते हैं। और ऑब्वियसली जैसे टोकरी लकड़ी की बनी हुई है तो उसके थ्रू पानी नीचे बह जाता है। और फिर इस टोकरी को लेकर वो भगवान के सामने जाते हैं और जो सिक्के होते हैं वो इसमें डाले जाते हैं और फिर हाथ जोड़ के आप फिर अगले स्टेप की तरफ जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर के पार्ट में स्नेक है और नीचे के पार्ट में सरस्वती की मूर्ति है जिनके हाथ में एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि जापानीज वर्जन ऑफ वीणा है जिसका नाम है बीवा। के बाद लोग नोट उसमें से निकाल कर उन टोकरियों को वापस यहाँ पर रख देते हैं। फिर कुछ लोग यहाँ पर आके जो अगरबत्ती का धुआं है उसके ऊपर नोट सुखाते हैं, भले ही अथॉरिटीज कहती हैं कि ऐसा ना करें और सिर्फ हैंकरचिफ की मदद से उस नोट्स को सुखा लें। नॉर्मली लोग इस नोट को सुखा कर अपने पर्स में रखते हैं। जापान में भी फॉर्च्यून टेलिंग में विश्वास रखने वाले काफ़ी लोग हैं। यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से एक फॉर्च्यून टेलिंग का मेथड फॉलो हो रहा है जहाँ पर लोग रैंडम सेट ऑफ पेपर्स में से अपना फॉर्च्यून निकालते हैं और यहाँ पर जो एक पानी का कुंड है उसमें डालकर वो जो फॉर्च्यून है वो रिवील होता है। और नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि अगर आपका फॉर्च्यून अच्छा है तो आप वो अपने पास रखते हैं, अगर वो फॉर्च्यून बुरा है तो आप इस तरह से कहीं इसे बांध कर रखते हैं। आइए टेंपल के दो और हिस्सों को हम देखते हैं। This shrine is a great combination of Buddhism and Shintoism both. कॉम्पैक्ट जगह पर होने के बाद भी यहाँ पर एक बहुत ही सरीन एनवायरनमेंट है, एक बहुत ही पीसफुल फीलिंग है। आइए आगे चलते हैं अब इस श्राइन के लास्ट सेक्शन में। जापान के सब श्राइन्स आर अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ नेचर एंड कल्चर और यहाँ पर जाने के बाद आपको इस कल्चर के बारे में काफ़ी समझ आता है। काफ़ी बुद्धिस्ट श्राइन और शिंतोइज्म श्राइन में आपको देखने को मिलेगा कि लोग यहाँ पर 5 येन के जो कॉइन्स हैं वो किसी पत्थर पर फेंक रहे हैं और कोई गुड फॉर्च्यून की मनोकामना कर रहे हैं। जापान में पुराने ज़माने में लोग मन्नत मांगने के लिए इन श्राइन्स को घोड़े डोनेट किया करते थे। फिर ये प्रथा चेंज होकर वुडन प्लेट्स जिस पर घोड़ों के पिक्चर्स बने हों
उसमें चेंज हो गए और इसीलिए इसे एमा कहा जाता है, जिसका मतलब पिक्चर एंड हॉर्स होता है। और अब के मॉडर्न टाइम्स में ये वुडन प्लेट्स पर काफ़ी तरह के एनिमल्स के पिक्चर्स होते हैं और लोग इस पर अपनी विशेज लिखते हैं। इन्हें श्राइन के बाहर इस तरह लगाया जाता है और मान्यता है कि भगवान इसे खुद रिसीव करते हैं। उनके बहुत सारे श्राइन्स में इस तरह के वुडन पैलेट्स पे लोग अपनी विशेज लिखते हैं और बहुत पर्सनल विशेज से लेकर यूनिवर्सल विशेज तक मांगते हैं। जैसे यहाँ पर किसी ने मांगा है कि कोरोना वायरस जल्दी खत्म हो और हमारे नॉर्मल डेज वापस आए। यहाँ पर किसी ने मांगा है कि सबकी सेहत अच्छी रहे। और यहाँ पर किसी ने पर्सनल विश मांगी है कि हम लोग हमेशा साथ रहें। तो ये था ज़ेनी अराई बेंतेन श्राइन कामाकुरा जापान में। आपको ये श्राइन कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए। ये श्राइन को आप सिर्फ श्राइन की तरह भी देख सकते हैं या जापान के लोग किस तरह के बिलीफ सिस्टम में विश्वास करते हैं उसे समझने का एक जरिया भी समझ सकते हैं। आपके लिए ये वीडियो क्या था ये ज़रूर मुझे बताइए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, थैंक यू एंड बाय बाय।